हेलो माय इंडियाज़ फ्यूचर, फिर से मैं आप सबके साथ स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे क्लास 10th बोर्ड्स ICSE का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है और इस पर मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ है कि सेक्शन ए में आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन मिले हैं और सेक्शन बी में कितने मार्क्स के क्वेश्चन मिले हुए हैं। कल का जो लेक्चर था आपने देखा हुआ था, वो पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा था कि हाँ आपको जो है टाइम लिमिट, जो पर्टिकुलर टाइम लिमिट एक पार्ट को कितना देना है, ठीक है, वो मैंने बताया हुआ था। 3 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना है और 4 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चैप्टर वाइज, मैंने कल बोला भी था कि आपको चैप्टर वाइज मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा कि कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, मिले थे, ठीक है। जो भी बच्चे इससे पेपर, इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं 2020 का, मैं उस पर डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहला टॉपिक है GST, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। बैंकिंग, इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कॉमर्शियल मैथिक एंड शेयर एंड डिविडेंट। तो यहाँ पर देखें तो कॉमर्शियल मैथमेटिक के पास जो 3 टॉपिक थे वो GST, बैंकिंग और शेयर एंड डिविडेंट थे। तो यहाँ पे जो 4 मार्क्स अवेलेबल थे वो सेक्शन ए के लिए थे और फिर उसके बाद बैंकिंग को दिया इन्होंने 3 मार्क्स, ठीक है, बट वो सेक्शन बी में इन्वॉल्व था। और शेयर एंड डिविडेंट जो है वो भी आपको 3 मार्क्स का था बट वो सेक्शन बी में इन्वॉल्व था 2020 के एग्जामिनेशन पेपर में। बच्चों उसके बाद से कोई पेपर नहीं हुआ, ये बात हमेशा माइंड में रखना, ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक। तो उसके बाद फिर लीनियर इक्वेशन आता है। लीनियर इक्वेशन आप सब जानते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है, वैसे वो 3 सेक्शन ए में जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा जो सेक्शन ए के क्वेश्चन हैं वो कन्फर्म है, समझ रहे हैं, सेक्शन ए के क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, ठीक है, और वो 40 मार्क्स के होंगे। अगर हम टोटल करेंगे तो वो 40 मार्क्स के करीब होगा। और सेक्शन बी में बस एक क्वेश्चन है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये वाला 6 मार्क्स, वो भी आपके ऊपर है, आप अटेम्प्ट करना चाहें। जैसा कि आप सब जानते हो सेक्शन बी में आपको टोटल मिलते हैं 7 क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना होता है टोटल 4 क्वेश्चन। तो यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टॉपिक है ये भी 3 मार्क्स का है और इसमें आपको सेक्शन ए से 3 मार्क्स का मिलेगा बट 3 मार्क्स का सेक्शन बी में भी हो सकता है मिलेगा, मैं ये कहूँगा, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि ये 2020 का एनालिसिस है। अब क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। इससे पहले फिर आपको देखेंगे कि यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शंस का मैंने बता ही दिया आपको, 3 मार्क्स का सेक्शन बी और 3 मार्क्स सेक्शन बी। फैक्टर थ्योरम में आप देखेंगे सेम एज 3 मार्क्स सेक्शन ए और 3 मार्क्स सेक्शन बी। मैट्रिसेस में आप देखेंगे 3 मार्क्स सेक्शन ए, 3 मार्क्स सेक्शन बी। AP एंड GP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेटिकल प्रोग्रेशन, वहाँ पर आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिला है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिला, दोनों क्वेश्चन सेक्शन बी में। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ेंगे नहीं, आपको पढ़ना तो सब कुछ ही है, ठीक है, क्योंकि अटेम्प्ट तो आपको करना ही है, चाहे आप सेक्शन ए से करें, सेक्शन ए में तो आ गया तो 100% करना है, सेक्शन बी में आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सारे भाई बीच में आप सेक्शन ए सेक्शन बी में आप क्वेश्चन 4 कर रहे हो, ऐसा नहीं, क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए 5, ऐसा नहीं कर सकते हो। आप अटेम्प्ट करोगे तो क्वेश्चन 4 में, और क्वेश्चन नंबर 4 में आप सेक्शन जो बी का पार्ट है उसमें आप हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होते थे जैसा कि आपको पता है, और उसमें पता चला बी में अगर आ गया तो ऐसा तो है नहीं आप छोड़ दोगे, करना तो है ही आपको, है ना, बी का मतलब सेकेंड पार्ट, ठीक है। फिर आप रिफ्लेक्शन में आते हैं। रिफ्लेक्शन में आप देख रहे हैं 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिला है बट वो सेक्शन बी में गया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें यहाँ पे वो भी 4 मार्क्स का मिला है बट वो सेक्शन ए में मिला था, और फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन बी में मिला है। ये आपका एलजेब्रा का पार्ट हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक। अब आते हैं थोड़ा इधर, इधर भी मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं चैप्टर्स हैं। सिमिलर ट्रायंगल ज्योमेट्री का पार्ट अब शुरू होता है, ज्योमेट्री, लोकी और सर्किल, इस सबको मिला के अगर हम देखा जाए तो टोटल देखो क्वेश्चन कितने मार्क्स के रहे होंगे, 3, 3, 6, 4, 10, 3, 13, 13 + 4, 17, 17 + 4, 21 स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होगा जहाँ से सर्किल सबसे ज़्यादा, आप देख सकते हो 4 मार्क्स सेक्शन ए, 3 मार्क्स सेक्शन ए, 4 मार्क्स सेक्शन बी, 4 मार्क्स सेक्शन बी, ठीक है। तो सर्किल के तो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट ही करने होंगे। अब आते हैं 3D मॉल सॉलिड्स में, मेंसुरेशन से रिलेटेड है, 3 मार्क्स सेक्शन ए में मिलेगा, 3 मार्क्स सेक्शन बी, मतलब दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट ही है। सेक्शन ए के तरीके से देखें तो भी, सेक्शन बी के वे में देखें तो भी आपको करना ही करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड टेबल पर आते हैं तो यहाँ पे 3 मार्क्स सेक्शन है और हाइट एंड डिस्टेंस, अरे वो तो पहले से डिसाइड है, वो तो 4 मार्क्स का था, है और रहेगा और हमेशा आएगा, ठीक है, जब भी है। और दूसरा
हाँ आप यहाँ पर ये जरूर है, अभी हम जैसे ईयर 2020 का क्वेश्चन पेपर लाए हैं, मैं 2019 का भी क्वेश्चन पेपर उसका भी एनालिसिस करके आपके सामने रखूँगा, 18, 17 जब जहाँ तक के अवेलेबल हैं मैं आप सबको प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। जैसे ये समझ में आ जाएगा कि अब सिमिलर ट्रायंगल में एक जो थ्री क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन वो भी सेक्शन बी में, ऑफ अनादर 3 मार्क्स क्वेश्चन यू आर ऑल्सो गेटिंग इन सेक्शन बी, तो उस कंडीशन में अगर हम देखें तो पता चल जाएगा कि सेक्शन ए और बी में, यहाँ पर 2020 में दोनों ही क्वेश्चन सेक्शन बी में रहे हैं। अब आते हैं स्टेटिस्टिक्स लास्ट पार्ट, इसका अर्थमेटिक मीन मीडियन मोड वाला जो क्वेश्चन मिलेगा आपको वो 3 मार्क्स का मिलेगा सेक्शन बी में। हिस्टोग्राम एंड ओजिव, ये वो पार्ट है जहाँ पे आपका थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, स्पेशली ओजिव के लिए अगर वो आपने अटेम्प्ट किया, समझ रहे हैं, क्योंकि वो तो किसी भी तरीके से आपको तो 7 क्वेश्चन है, 7 में से आप जरूरी है ओजिव को करो मत करिए, ठीक है, किसी और को करिए, तो वहाँ पे 4 मार्क्स का सेक्शन है और 6 मार्क्स का सेक्शन बी में आपको मिलेगा। अच्छा ध्यान रखना हिस्टोग्राम से 4 मार्क्स का मिलता है, ठीक है, सेक्शन ए में। प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स सेक्शन है, प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट आएगा और 3 मार्क्स का सेक्शन है। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये हम जब पूरे, आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि सर प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है वो हमेशा सेक्शन ए में आएगा, वो हो सकता है सेक्शन बी में जा सकता है, वो बोर्ड के ऊपर रहेगा, बट एक तरफ हम डाटा का थोड़ा एनालिसिस कर लेंगे कि क्या रहा है, ठीक है, देखते हैं कि क्या 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो हमेशा सेक्शन ए में आया है, वो अब हमें एनालिसिस करके ही पता चलेगा, ठीक है बच्चों। और लिंक मैं इससे पहले वाला जो मैंने आपको वीडियो बनाया हुआ है वो आप हमारे आई टैब पे जाके चेक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ बच्चों, आगे के जो वीडियोस आपको मिलने हैं उनके लिए आपको सब्सक्राइब करना